यह है दोस्तों बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड। फिलहाल इस समय इसको फेंकने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड बिल्कुल बैन हो चुका है। बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड के साथ साथ आपको बजाज फिनसर का जो लोन मिलता था, आपको लोन भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड अप्लाई करना चाहते थे, अप्लाई करने वाले थे, या फिर अप्लाई कर चुके हो, या इसके साथ साथ काफी लोग यहाँ पे लोन लेने वाले थे। तो फाइनली अभी करंट टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। इस वीडियो में डिटेल बताता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ चुकी है जिनके पास बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड है, जैसे कि मेरे पास है। तो बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड को हम आगे यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों बंद कर दिया गया, सारी जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों 15 नवंबर 2023 यानी कि आज से सिर्फ एक दिन पहले ही आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि बजाज फिनसर लिमिटेड की दो सर्विस को बंद कर दिया गया है। एक सर्विस तो है ईकॉम और दूसरी है बजाज फिनसर स्टार ईएमआई कार्ड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों ही सर्विस बंद कर दी गई हैं। सो दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहला काम बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड। बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूं। बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड वही है ईएमआई कार्ड जिस ईएमआई कार्ड से हम प्रोडक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर नो कॉस्ट ईएमआई पे भी बाय कर सकते थे। और दोस्तों अगर हम इस ईएमआई कार्ड के बारे में बात करें तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस लगती थी वो मात्र 599 रुपए थी, और एनुअल फीस के बारे में बात करें वो सिर्फ 117 रुपए थी। और इस ईएमआई कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसी बात की थी कि जैसे काफी लोग परेशान होते थे ना, हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाता तो हम किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर लेते। जब भी अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर ईएमआई में बाय करने का नाम आता तो सबसे पहले बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड का नाम आता। फिलहाल इस ईएमआई कार्ड को अभी क्लोज कर दिया गया, यानी कि अभी आप नया अगर इसको अप्लाई करने जाएंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं ईकॉम के बारे में। अगर आप बजाज फिनसर एप्लीकेशन को यूज करते होंगे वहां पे देखें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बजाज फिनसर ई कॉमर्स कह सकते हैं कि इनकी अपनी खुद का एक पोर्टल बनाया गया है जहां से काफी सारा प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, उसको भी समय बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ बजाज फिनसर के जितने भी लोन आपको मिलते होंगे, जितने भी टाइप के लोन मिल रहे होंगे, बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड भी एक लोन है। बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड से आप और भी तरीके कई सारे लोन ले सकते थे, लोन की फैसिलिटी भी इस समय आपकी बंद कर दी गई है। अब सवाल ये बनता है कि भाई इन सब चीजों को बंद क्यों कर दिया गया, जबकि काफी ज्यादा पॉपुलर भी थे, काफी ज्यादा लोग इसको यूज भी करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ टाइम पहले ही आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस बताई गई थी कि भाई आप जब भी कोई लोन दे रहे हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, उसके अंदर की फैक्ट स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह हो जब भी आप कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड ले रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए कि कितना चार्जेस लगेंगे, ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, चार्जेस एक्स वाई जेड, पूरी जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए। जब पूरी जानकारी उसके अंदर रहेगी तब यूजर्स को पता रहेगा कहाँ पे क्या चार्जेस लगेंगे। इस केस में होता क्या है कि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो कल के ऊपर आपके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगा दिया जाए, पता लगा कि आपके 52 चार्जेस आपको पता ही नहीं है, 52 चार्जेस इन्होंने 1000 रुपये लगा दिए, तब क्या करोगे। बजाज फिनसर के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, इन्होंने यहाँ पर अपनी जो की फैक्ट स्टेटमेंट थी इसमें सारी जानकारी उन्होंने मेंशन नहीं की, सिर्फ काम चलाओ जानकारी मेंशन कर दी। उसके बाद यार कस्टमर के साथ प्रॉब्लम होने लगी, एक का दुगना कहीं ना कहीं चार्ज लगाने लग गए, एक ऐसे वैसे काफी सारी प्रॉब्लम आने लगी। काफी सारे कस्टमर ने कंप्लेन किया कि सर हमें यहाँ बाउंस चार्जेस लग गए, हमारे कार्ड के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, एनुअल फीस 2 बार ले लिया गया, बहुत तरह की प्रॉब्लम आई, लोन को लेकर कई सारे फ्रॉड वगैरह चलने लगे। इन सबको देखते हुए आरबीआई ने यहाँ पर इमीडिएटली इस पे एक एक्शन लिया, जिससे बताया कि भाई अभी करंट टाइम में आपकी दोनों सर्विस क्लोज कर दी गई, यानी बंद कर दी गई, जिसमें नए कस्टमर को बिल्कुल नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आगे आप इन सब चीजों को सही कर लेते हो तो दोबारा इसको रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे भाई जिसका पहले से ईएमआई कार्ड बना हुआ होगा, जिसका पहले से कोई लोन चल रहा होगा, वो क्या करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा भी ईएमआई कार्ड है, काफी लोगों का ईएमआई कार्ड होगा, शायद लोन भी चल रहा होगा, तो जो पहले से चल रहा है आप उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोई नया यूजर इसके अंदर अभी एंटर नहीं हो सकता है। देखो एक अच्छी बात मुझे ऐसी भी लगी कि यार जब दिवाली वाली सेल चल रही थी, ये सारी सेल वो निपटाने के बाद ही सारा कुछ किया गया, ताकि जिन यूजर ने वो नया कार्ड अप्लाई किया हुआ है, जो भी यहाँ पर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जो बेनिफिट उठाना चाहते थे वो बेनिफिट्स उठा सके, उसके बाद ही जाकर इस पर एक्शन लिया गया है। तो ओवरऑल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास उसको अच्छे से यूज करिए, नए के लिए भी परेशान मत होइएगा। जब भी यहाँ पर नई कोई भी गाइडलाइंस आती है या फिर रिलीज किया जाएगा, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। बस आपको करना इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यार वो ईएमआई कार्ड उठा के रख दे इसमें।